हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द बर्थडे व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। तो ये टाइम है रात के बजने 12 बजने वाले हैं, उसमें बस एक दो मिनट का जो टाइम होता है ना, बस वही है। अनु जो है ऊपर वॉक कर रहे हैं, मैं भी अभी उनको ऊपर मिलकर आई हूँ और बोलकर आई हूँ अभी 10-15 मिनट के बाद आराम से आना। तो वो ऊपर वॉक कर रहे हैं और हम लोग उनके लिए जो है ये केक वगैरह सजा रहे हैं। फिर मैंने अन्नू को आवाज़ लगाई तो वो समझ गए थे, इसलिए जो है दांत फाड़ते हुए ऊपर से नीचे आ रहे हैं ही करते हुए। तो बस मैंने यहाँ पे उनको बर्थडे विश किया है सबसे पहले, और हनी जो है सोने का नाटक कर रहा है। बन्नी हालांकि सो चुका है, और ये आपने जो 12:10 टाइम देखा था ना, एक्चुअली 12:10 नहीं हो रहे थे, वो 10 मिनट मैं अपने बच्चों के उठने के लिए आगे करके अपनी घड़ी में रखती हूँ। जैसे कि हर माँ अपने बच्चों को सुबह उठाने के लिए 10-15 मिनट आगे रखती है, बस वही टाइम चल रहा है, वरना परफेक्ट 12 ही बज रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैंने हन्ने को भी आवाज़ लगा के बुला लिया। मैंने कहा आ जा, ड्रामा मत कर, पापा समझ गए तू और मैं ही हम लोग ही लग रहे थे। तो वो आया, फिर हम लोगों ने जो है अन्नू से केक कटिंग करवाई है। और ये है अन्नू का बर्थडे वाले दिन की शुरुआत, जिसे कहते हैं मतलब रात से जो शुरुआत हो जाती है। और सबसे पहले निकाला हमने अपने ससुर जी का, फिर अन्नू ने मुझे खिलाया और मैंने अन्नू को खिलाया। और बर्थडे बॉय के मुंह पे जब तक बर्थडे केक ना लगाओ ना, तो वो वाली फीलिंग नहीं आती बर्थडे वाली, चाहे फिर आप कितना ही कुछ भी इंजॉयमेंट कर लो। और अन्नू को ज़्यादा ना मतलब बर्थडे केक जो भी होता है ना, वो काटना पसंद नहीं है, पर वो हमारी खुशी के लिए जो है काट देते हैं। और हमें भैया उन्हें पसंद हो ना हो, हमें खाना भी पसंद है और बर्थडे केक को कटवाना भी पसंद है। तो यहाँ पर बस वो यही बोल रहे थे कि मेरे को पता ही नहीं चला कि हनी कब केक ले आया। तो मैंने कहा केक तो वो ले आया था 9:30 बजे का, लेकिन हम लोगों ने जो है ना नीचे वाली जो भाभी है ना उनके यहाँ पे रखवा रखा था, तो जैसे ही 12 बजे तो फिर हमने फटाफट से ऊपर मंगवा लिया था। उनको भी पता था कि हम 12 बजे लेने आएंगे। तो दोस्तों, ये जो केक है ये आप लोगों के लिए है, आप लोग खाइए। वैसे हमने थोड़ा सा ही छोड़ा है, और ये भी सिर्फ बनने के लिए छोड़ दिया, वरना ये भी हम इतना गप गप कर जाते, क्योंकि हनी जो है बहुत ही टेस्टी केक लेकर आया। सच में थैंक यू सच में, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। अन्नू को भी केक भी वैसे बहुत लाजवाब था। तो अब जो है रात हो गई है, अब हम सो रहे हैं, मिलेंगे कल नहीं सुबह। और अपने बाबू के बर्थडे वाले दिन मतलब शुरू तो अभी हो गया, लेकिन सुबह की बात अलग होगी। चलिए मिलते हैं अब सुबह। तो दोस्तों, फाइनली जो है अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मतलब चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। उसके बाद जो है मैं सुबह सुबह ही अपना खाना बनाने में लग गई हूँ, टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है, जब तक मैंने चाय सुबह की पी थी हम सब ने उठ के, इतनी देर में मैंने जो है छोले को उबालने रख दिया था। और छोले देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट उबले हैं। और यहाँ पे एक कढ़ाई में जो है मैंने तेल ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच अच्छा खासा भर के। उसके बाद जो भी मेरे पास खड़े मसाले थे, जैसे कि इलायची हरी वाली, काली वाली, लौंग छोटी वाली, काली मिर्च और 2 तेज़पात के पत्ते, इन सबको जो है डाल के मैंने अच्छा खासा भून लिया है। और उसके बाद डाला है मैंने 1 छोटा प्याज को बारीक बारीक कट करके, और ये मैंने पेस्ट बनाया था प्याज लहसुन अदरक का। ये भी मैंने जो है इस टाइम पर, जब मेरी प्याज अच्छी खासी भुन गई है, तब जो है मैंने पेस्ट को ऐड कर दिया है। और जब मेरा पेस्ट अच्छा खासा भुन गया है, तो फिर यहाँ पे हरी मिर्ची और टमाटर का ये पेस्ट है। और ये टमाटर मैंने इस बार लिए हैं देसी टमाटर, क्योंकि आजकल मुझे देसी टमाटर का ना जो टैंगीनेस है वो अच्छा लगता है। सर्दियों में वैसे भी देसी टमाटर बहुत ही अलग ही स्वाद देते हैं, और जबकि मैं, हालांकि मेरी फैमिली में कोई भी देसी टमाटर खाना पसंद नहीं करता, सबको जो वो भी देसी वाले थोड़े मोटे और बड़े से जो टमाटर होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अभी जो है मैंने देसी टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के वो डाल दिया है, और साथ साथ में जो है मैंने मसाले डाल दिए हैं, घर के 5 बेसिक मसाले हैं, जैसे कि नमक है, नमक थोड़ा सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि उबालते टाइम भी मैंने नमक को ऐड किया था। तो नमक है, मिर्ची है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ी सी डाली है, और इन सबको अच्छा खासा भून लिया है। जब ये अच्छा खासा मसाला भून गया था, तब मैंने जो है छोलों में ऐड कर दिया है, और अब इस मसाले को छोलों के साथ अच्छा खासा घुलने मिलने तक थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है मैं इसमें 2 से 3 विसल लगा लूँगी। छोले अच्छे खासे उबल चुके हैं, छोलों के लिए मैं जो है विसल नहीं लगा रही हूँ, केवल मसाले और छोले एक दूसरे से अच्छा खासा मिल जाएं, इसलिए मैं इनके साथ में
सीटी लगा के छोड़ दूंगी। और ये देख सकते हैं मैंने आटा भी लगा के जो है रख रखा है। अब ये जो मेरे बर्तन हैं इनको जो है मैं जो सूख गए हैं, रात के बर्तन जो होते हैं ये सूख गए हैं, तो इनको फटाफट से जो है इनकी जगह पे लगा दूंगी। और जो मेरे चाय पानी के, जैसे मैंने सुबह बोला कि बस हमने चाय पानी पी है उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ, तो देख सकते हैं कितने से बर्तन हैं। इसको भी फटाफट फटाफट से जो है अब मैं माँज के रख दूंगी, क्योंकि अगर इन्हीं को ही मैंने बढ़ावा दे दिया ना तो ये बढ़ते बढ़ते कब तक मेरी पूरी सिंक को भर देंगे मुझे भी नहीं पता चलेगी। और जबकि आज सारा काम जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाला है। और मैं जिस टाइम ये छोले बना रही हूँ, अनु नहा धो के मंदिर चले गए हैं पूजा करने के लिए। पहले तो उन्होंने घर की पूजा करी, उसके बाद जो आप सबको पता ही है हम गोले वाली माता काली माता के मंदिर जाते हैं कि जो कि हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है। तो बस ये देखिए मैंने अनु से बोल दिया था कि माता की क्लिप बना लेना, तो वो छोटी सी एक क्लिप बना के लाए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। और उन्होंने माता रानी का भी आशीर्वाद ले लिया है और अब आशीर्वाद लेने की बारी है आप सबसे। तो आप उनको भर भर के जो है कमेंट में आशीर्वाद दीजिएगा अन्नो को। तो ये देखिए अन्नो पूरा मंदिर दिखा रहे हैं। फिर वो घर पर आ गए थे और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं मतलब बीच में ही मैंने क्लिप ऐड कर दी थी मंदिर की, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि बर्थडे बॉय कहाँ है। तो भाई वो उठ के अपना जो उनका काम होता है पूजा पाठ का वो खुद कर लेते हैं। तो वो मंदिर चले गए थे, मैं पीरियड आ रहे थे मेरे को, इसलिए मैं मंदिर नहीं गई। अगर मेरे को ये परेशानी नहीं हो रही होती तो मैं भी अन्नों के साथ दर्शन करने जरूर जाती। और ये लास्ट फाइनल तड़का लगा रही हूँ मैं छोलों के लिए, जिसमें मैंने कि देसी घी लिया है 2 से 3 चम्मच, उसमें डाली थी मैंने बीच में से कटी हुई हरी मिर्चियाँ और रेड वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है वो, और फिर मैंने जो है छोले ऐड कर दिए हैं और ऊपर से डाली है मैंने कसूरी मेथी। और अब डाल दूंगी गरम मसाला और इसको देखिए गैस को जो है मैंने बंद कर दिया है और अब बनाने लग जाऊंगी मैं पराठे। अन्नो भी आ गए हैं और वो जो उन्होंने ऊपर मोटी जैकेट पहन रखी थी उसको उतार दिया, क्योंकि घर में मोटे मोटे से पहनने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है ना इसलिए। तो बस सबसे पहले जो है मैं नाश्ता पानी अन्नों को ही देने वाली हूँ, ताकि वो खा ले, उनका जो काम है वो अपना काम निपटाने चले जाएंगे और फिर मैं अपने घर के बेसिक कामों में भी लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे घर में आपने हमेशा नोट किया होगा तो तिकोने पराठे बनते हैं, क्योंकि तिकोने पराठे ना अन्नों को अच्छे लगते हैं, उनको चकोर पराठों का जो है स्वाद नहीं आता। हालाँकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी इन चीज़ों में स्वाद वगैरह नोट नहीं किया, लेकिन जब वो तिकोने खाते हैं तो फिर मैं सबके लिए तिकोने ही बना देती हूँ। तो आप छोले क्या जो है शक्ल देख सकते हैं कितने ही स्वाद बन के तैयार हुए हैं। आ जाइए आप लोग भी जो है नाश्ता कर लीजिए। तो ये देखिए अन्नु और बन्ने को मैंने दे दिए हैं, और जैसे मैंने कहा था अन्नु ने आते ही अपने ऊपर वाली जैकेट हटा दी थी। और ये देख रहे हैं किसी मूवी का ट्रेलर है, धमाल, पता नहीं कौन सी गोलमाल जो न्यू आने वाली है। फिर वापस से उन्होंने नाश्ता पानी करा और अपने काम के लिए निकल पड़े। तो बस मैं उनको वही बाहर तक छोड़ रही हूँ और वो बाय कर रहे हैं। तो इतनी देर में मैंने यहाँ पे हनी को भी प्लेट लगा के दे दी है। मैं भी नाश्ता कर अब अपने घर के कामों में जुट गई हूँ, क्योंकि देखिए बर्थडे हो कोई सभी दिनों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ काम तो अब करना ही है। तो बस हालांकि ये बर्थडे वाला जो व्लॉग है मुझे थोड़े दिन पहले डाल देना चाहिए, लेकिन मेरे को क्या है ना फीवर, बहुत ठंड की वजह से फीवर उतर रहा था चढ़ रहा था यही सीन हो रहा था मेरे साथ में। तो फिर मैंने 2 दिन तक तो ऐसे ही देखा, लेकिन तीसरे दिन मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर मैं दवाई ले आई और दवाई से फिर मुझे आराम आया है, इसलिए व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है। और ये रिबन जो रात को हमने केक काटा था ना, उसको ही बस वो रिबन पड़ा हुआ था तो उसको मैं हिला रही थी, क्योंकि अच्छा लगता है ना रिबन, हम एक बार ही हिलाओ वो अपना पूरा का पूरा हिलता है और बहुत ही अच्छे से घूमने लगता है। तो बस यही है। और ये जो हनी बनी की किताबें एक्स्ट्रा होती हैं, जब उनकी कॉपियाँ भर जाती हैं तो इसी में से निकाल लेती हूँ, उनकी स्कूलों की जो वो होती है ना एक प्रिंट कॉपियों के पहले जो लगी होती है, तो बस वही वाली कॉपियाँ थी तो ये बच गई थी, तो मैंने कलाव में रख देती हूँ। और ये फ्लावर रात को बर्थडे केक में लगा हुआ था, तो मैंने ये नमक और गर्म मसाले की जो डिब्बी होती है इनके बीच में लगा दिया, तो बहुत सुंदर ये लग रही थी। साथ साथ में अब मैं अंदर की बेडशीट वगैरह क्लीन आउट करके अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन का सारा काम ख़त्म करने। और इस टाइम तक जो है मैंने एक कुकर, ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, इसमें इस टाइम जो है राइस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ पे खाना भेजना है, उसने जो है मकान शिफ्ट किया है तो उसको पता लगा मैंने छोले बनाए हैं। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने छोले भिगोए थे, लेकिन कम भिगोए थे, बाद में मैंने ज़्यादा भिगो लिए थे, तो फिर मैंने जो है यहाँ पे वो भी सारे भिगो के मैंने रात को ही धर दिए थे और ज़्यादा छोले बना दिए थे, ताकि मैं उसके घर पर भी लंच भेज सकूँ।
तो बस मैंने उसके लिए ही जो है चावल बना दिए हैं, बाकी हम सब के भी थोड़े थोड़े से हो जाएंगे, क्योंकि अब दिन में मैं और हन्नी बननी है तो हमारे लिए भी थोड़े थोड़े से उसी में ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सारे घर की झाड़ू पोछा कर लूँगी, सारे बिस्तर वगैरह अच्छे से झाड़ पोंछ के रख दिए हैं, और ऊपर का मकान है तो मिट्टी जो है आप सबको पता ही है आती है। अभी तो फिर भी थोड़ी सी सर्दी शुरू हुई है तो थोड़ी कम है, लेकिन वरना बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी आती है। तो बस सारा जो है मैंने यहाँ पे झाड़ू अपना लगा लिया है, इसके बाद ये जो ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं इस पर भी लगा दूंगी, और जो नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं उस पर भी मुझे झाड़ू लगानी होती है तो मैं लगा दूंगी। और बन्नी मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है ये इसका मुझे समाधान समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो आएगा वो पोछे के लिए आएगा, क्योंकि उसको है ना ये वाला पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे पोछा लगता नहीं है, लेकिन वो जो निचोड़ते हैं ना ऐसे ऊपर से उसको दबा दबा के प्रेस करके उसको, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही आएगा, अभी देखना आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए वो पोछे को जो है प्रेस कर करके अच्छे से घुमा घुमा के निचोड़ रहा है, उसको बस यही अच्छा लगता है। तो मैं भी उसको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे जितना सीखेंगे वो उनके लिए ही आने वाले टाइम के लिए अच्छा है। और बस अब जो है मैं नहाने चली जाऊंगी इसके बाद में, और आप लोगों को मेरे हनी का गिफ्ट अपने पापा के प्रति कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि देखिए बच्चे कब हमारा मतलब हम तो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो सीखते सीखते खुद कब से बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, मतलब अपने माँ बाप के लिए वो सरप्राइज़ प्लान करने लग जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ, और प्रीति के लिए जो है मैं खाना पैक कर रही हूँ, उसके हस्बैंड आएंगे अभी तो वो खाना लेके चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग नए वाले फ्लैट पे चले गए हैं। अगर पुराने वाले फ्लैट पे रह रहे होते तो मैं हन्नी के हाथ ही खाना भेज देती, लेकिन नया वाला जो फ्लोर है वो अभी तक हम लोगों में से किसी ने देखा नहीं है। तो चलिए खाना मैंने पैक कर दिया, अब मैं सीधा आपको मिलूंगी शाम के टाइम जब अन्नू आ जाएंगे। तो दोस्तों हो गई हूँ मैं बिल्कुल तैयार, सिंपल घर में क्योंकि कोई आ नहीं रहा, हम कहीं जा नहीं रहे, उस हिसाब से जो है मैं तैयार होगी। हाँ सूट जो है ये एकदम न्यू है, और ये अन्नू ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया है, तो कैसे लग रही बताइएगा। कुछ इस तरीके का सूट है ये, और ये मीशो से मंगवाया था मैंने, और इसी के साथ का ये दुपट्टा है, उसके लिए ऊपर से मैंने वाले शॉल ले लिए ताकि ठंड ना लगे, और जैसे कि मैंने बोला कोई आ नहीं रहा, हम कहीं जा नहीं रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है फालतू का खर्च करने का, इसलिए हमने जो है बाहर का खाना मंगा लिया। अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, ये देख सकते हैं ये है नान, आलू स्टफ्ड नान है ये, और इसमें है सारी चिकन की आइटम जैसे कि बिरयानी और क्या लिया ना बटर चिकन और दाल मखनी भी लिए बन्नी के लिए स्पेशल, बन्नी की फेवरेट। वो सब मैं जब थाली लगाऊंगी ना तो एंड में कहीं पे आपको पूरी थाली आज के डिनर की दिखा दूंगी। और ये मिली है हमारे बर्थडे बॉय से, हेलो बर्थडे बॉय, हेलो फ्रेंड्स। और ये कब आए हैं, अब आए हैं सही 7:30 बजने में, मुश्किल से 5-10 मिनट होंगे तभी आए थे ना तुम, जस्ट अभी आए हो, अभी कपड़े भी चेंज नहीं करे क्योंकि ये गए थे आज भैरव मंदिर, मंदिर क्या था सारे मंदिर, तो सारा टाइम इनको वहीं लग गया। तो दोस्तों अभी जो है हनी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो गया है अपने फ्रेंड के पास उसको लेने के लिए, उसका दोस्त जो है यहीं पे ही आएगा, क्योंकि हमने उसको कल बोल दिया था कि बेटा कल घर पर आ जाना, तो बस इकलौता वही आने वाला है और कोई नहीं आने वाला। और केक कट क्यों नहीं कर रहे हैं ये अन्नू से पूछो, क्योंकि बाद में फिर मेरे से पूछोगे क्यों नहीं कर रहे हो केक कट। फ्रेंड्स केक नहीं कट नहीं कर रहे, देखो कल रात को 12 बजे आपके सामने केक कट कर लिया था हमने, तो बस फिर बार बार केक मेरे को काटना अच्छा लगा, ये तो देखो बच्चों का होता, बच्चे होते तो फिर ज्यादा अच्छा होता। अच्छा। अब जैसा ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गोलू मोलू, खाने को मिलते लड्डू तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे बच्चे ने हनी ने केक काट ही दिया था मेरा, कल ले आया था केक मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। तो हो गया इनकी बातों पर जाए, थोड़ा इधर उधर कर दिएगी इन्होंने बातें क्योंकि इन्हें कैमरे के आगे बोलने में आती है शर्म। तो चलिए यही था आज का व्लॉग, जब कुछ खाना पीना बाहर का आपको दिखा दिया, अभी थाली आगे मेंशन कर दूंगी देख लीजिएगा। तो यहीं पे लेती हूँ आपसे प्यार भरी अलविदा, अन्नों को दीजिएगा खूब सारी अपनी दुआएं, क्योंकि आपकी दुआओं का अन्नों की जिंदगी में बहुत बड़ा असर रहेगा। इसलिए चलिए मिलती हूँ एक अच्छी से नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, बाय शब्बा केर बाय।